नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 370वां एपिसोड। आज है दोस्तों 14 अगस्त 2021, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए पहले से ही आपको जय हिंद बोल देता हूं। माय क्रिकेट प्रोडक्शन के सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज हमारी देश की सबसे बड़ी लीग आईपीएल को लेकर भी 10 खबरें निकल कर आएंगी, सारी खबरें बताएंगे। केएल राहुल की चांदी हुई है वो भी बताएंगे, एंड तक वीडियो को दोस्तों जरूर देखें। दोस्तों हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ के नीचे से लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है मुंबई इंडियंस को लेकर। नाउ दिस इज ऑफिशियल, मुंबई इंडियंस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से ये आधिकारिक रूप से तय हो चुका है कि मुंबई की टीम यूएई पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आउट हो चुकी है और पूरे आईपीएल में मुंबई पहली टीम बन गई है जो सबसे पहले यूएई पहुंची है। अबू धाबी में मुंबई इंडियंस की टीम का एक महीने का प्रेप कैंप है और मुंबई की टीम में बड़े बड़े तुर्रमखा प्लेयर अभी पहुंच गए हैं क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स अवेलेबल थे। तो आई थिंक आईपीएल की सभी टीमें अब धीरे धीरे पहुंचेंगी, तो लाइक जरूर कीजिए और फिर बोलता हूं अपनी फेवरेट टीम का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये देखते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि किस टीम के नाम पर सबसे ज्यादा लाइक आते हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनिक होगा। कमेंट करिए, अपनी टीम का नाम लिखिए और अपनी फेवरेट टीम के कमेंट को लाइक भी कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स से। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। तो डिज्नी हॉटस्टार ने आईपीएल की मदद से कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जो शायद अभी तक इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में कोई कर नहीं पाया। दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार ने क्वार्टर थ्री में 11.7 मिलियन लोगों को एक साथ जोड़ा था। 11.7 मतलब 1.1 करोड़ लोग सिर्फ क्वार्टर थ्री में, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में डिज्नी हॉटस्टार का पेड सब्सक्रिप्शन लिए थे सिर्फ आईपीएल के कारण, क्योंकि आईपीएल हो रहा था। ये बताता है कि आईपीएल की पॉपुलरिटी कितनी है और ये बताता है कि डिज्नी वाले क्या टारगेट कर रहे होंगे अगले महीने जब सितंबर में आईपीएल शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की रिपोर्ट की दोस्तों, अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हवाले से आ रही है, केकेआर की तरफ से। नाउ दिस इज ऑफिशियली कंफर्म कि ओयन मॉर्गन ही इनके कप्तान होंगे। लगातार द्वंद था कि क्या प्लेयर्स, क्या इंग्लिश प्लेयर्स आएंगे या नहीं, लेकिन अब जब क्योंकि इजाजत लगभग अब तय है तो ये भी तय है कि ओयन मॉर्गन ही कप्तानी करेंगे। दिनेश कार्तिक ने तो बयान तक दे दिया था कि वो तैयार है लीड करने के लिए, लेकिन कार्तिक के सपने भी चूर चूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी यूएई के लिए रवाना हो गई है और बहुत सारे सोर्सेस के हवाले से ये भी रिपोर्ट है कि देयर वीज टू यूएई, इनकी तस्वीरें भी पिक्चर्स भी वायरल होने लगी है। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस ये वो कुछ शुरुआती टीमें होंगी जो सबसे पहले यूएई पहुंच जाएंगी। हालांकि चेन्नई के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि ये सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन मुंबई ने बाजी मार ली। चेन्नई आज मतलब माफ कीजिए कल ही पहुंच गई थी और मुंबई के बाद वाली फ्लाइट में चेन्नई वाले पहुंचे हैं। तो भाई आईपीएल का मैजिक शुरू हो गया है, लाइक की बटन को दबाते जरूर रहिएगा और फिर भाई बोल रहा हूँ अपनी फेवरेट टीम का नाम लिखे। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है मुंबई इंडियंस के हवाले से। मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच तो गई है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई की टीम सेंट रेजिक्स नाम की होटल में, रिसोर्ट में रुकी हुई है यूएई में। ये एक बीच आइलैंड रिसोर्ट है, मतलब ये यूएई में नहीं है, यूएई से बाहर है, शिप से आपको जाना पड़ता है और एक दिन का यहाँ पर एक कमरे का किराया 27,000 रुपए है। अब आप सोच सकते होंगे कि मुंबई वाले कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुंबई नहीं आईपीएल की हर टीमों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है यूएई में, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने सपोर्ट स्टाफ होते हैं, आपको एक महीने तक रुकना है, करोड़ों का खर्चा टीमें करती हैं और इसीलिए टीमें थोड़ी सी नहीं चाहती हैं कि वो भारत से बाहर जाए। यही रीजन था कि इस साल का आईपीएल शुरुआत में भारत में हुआ और फिर कांड मचा कोरोना का। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान फिर रोड़ा बन गया है। जी हाँ, पाकिस्तान रोज नए नए पैतरे आजमा रहा है आईपीएल के खिलाफ, षड्यंत्र रच रहा है और एक और षड्यंत्र दिख गया इंग्लिश प्लेयर्स, अंग्रेज खिलाड़ियों को लेकर यह षड्यंत्र। दरअसल दोस्तों जब आईपीएल के प्लेऑफ चलेंगे उस समय पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज जो है वो तय हुई है। मतलब साफ है कि हो सकता है कि पूरा आईपीएल तो अंग्रेज प्लेयर्स खेल लें, लेकिन जब आईपीएल खत्म हो रहा हो तो अंग्रेज प्लेयर्स
अवेलेबिलिटी शो ना करे और इससे कई टीमें बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। कौन सी टीमें होंगी, इस पर आगे क्या रिपोर्ट्स आएगी, वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलती रहेगी। इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। केएल राहुल ने जिस तरह से अंग्रेजों को पीटा है उससे ना सिर्फ अंग्रेज दुखी है, ना सिर्फ पूरी दुनिया की क्रिकेट भारत के विरोधी दुखी है, खुश होने वालों की जो संख्या है ना वो लगातार बढ़ गई है। और जो सबसे ज्यादा खुश हुआ है ना वो है किंग्स इलेवन पंजाब के मालिक, माफ कीजिए किंग्स इलेवन पंजाब बोल रहा हूँ, पंजाब किंग्स के मालिक। पंजाब किंग्स की मालिक दोस्तों प्रीटी जिंटा के हवाले से रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है कि केएल राहुल को सैलरी हाइक मिल सकता है। इंग्लैंड में खतरनाक हिस्टोरिक प्रदर्शन के बाद केएल राहुल की सैलरी बढ़ सकती है। इस समय केएल राहुल को हर साल आईपीएल खेलने के 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन सैलरी हाई कुछ इस तरह से हो सकती है कि 2022 के लिए इन्हें 20 करोड़ रुपए का रिटेंशन मिल जाए। ये भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब के कप्तान केएल राहुल आने वाले कई सालों तक बने रहेंगे, लेकिन सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं होगा, ये पंजाब के फर्स्ट रिटेंशन होंगे जिन्हें 20 करोड़ रुपए, मतलब विराट धोनी से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। भाई साफ है केएल राहुल ने झंडे गाड़ दिए और इसका फल, इसका कह लेना कि इनको कहना चाहिए मीठा मीठा फल जरूर मिलेगा। और इस साल आईपीएल में इनकी सैलरी बढ़ने वाली है, तो आई थिंक इंडिया के हर फैन को इस सीरीज में भारत के खतरनाक प्रदर्शन के लिए लाइक जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रिपोर्ट है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने इजाजत दे दी है ऑफिशियली इंग्लिश प्लेयर्स को भारत में आईपीएल खेलने की, लेकिन पाकिस्तान सीरीज पर अभी भी संकट है। ईसीबी के चीफ ने साफ कहा है बिकॉज देयर इज नो बायलैटरल कॉन्टेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, सो प्लेयर्स हैव गिवन द परमिशन टू गो इन द आईपीएल, बट उसके बाद जब प्लेऑफ होंगे तब तो भाई बायलैटरल कॉन्टेस्ट होगा पाकिस्तान के साथ, तब ये परमिशन लेजिटिमेट नहीं रह जाएगी। इसका मतलब खिलाड़ियों को वापस लौटना पड़ेगा, ये साफ कर दिया ईसीबी ने। अब सारी निगाह पाकिस्तान पर टिकी है, इंग्लैंड पर टिकी है, क्या ये सीरीज होती है या नहीं इनकी टी20, क्योंकि उससे ही आईपीएल प्लेऑफ का भविष्य तय होगा। आगे बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की, अब हम बात करते हैं दोस्तों फिन एलन, जो कि विराट कोहली वाली आरसीबी में हमें दिखे थे मार्च अप्रैल में, उन्होंने फिर से एक तस्वीर खिंचाई है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, द हंड्रेड्स इंग्लैंड के दौरान वो इस समय खेल रहे हैं और वहां पर विराट कोहली द्वारा दिए गए बल्ले के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं जिसमें नीचे विराट कोहली लिखा हुआ है। विराट कोहली ने खुद उन्हें बल्ला गिफ्ट किया था और इसीलिए वो उसे शो ऑफ कर रहे होंगे वहां पर इंग्लैंड में। विराट कोहली कितना बड़ा नाम बन चुका है, ये खबर उस बात की तस्दीक करती है। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की दोस्तों, बात करते हैं ईशान किशन ने रोहित शर्मा पर एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान सचमुच मुंबई इंडियंस की कप्तानी के बारे में बहुत कुछ कहेगा। ईशान किशन ने कहा है कि पिछले आईपीएल में रोहित शर्मा ने उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। रोहित शर्मा ने ईशान किशन से कहा था कि तुझे कोई कुछ बोलता है तो उसको बोल मुझसे आकर बात करे, मतलब ईशान किशन को इतना कॉन्फिडेंस, इतने खुले हाथ दे दिए थे रोहित शर्मा ने पिछले आईपीएल में कि भाई आपसे कोई मैनेजमेंट का कोई भी आदमी बोले ना उसको आप रोहित मेरे पास, मतलब रोहित शर्मा के पास भेज देना। ये बताता है कि खिलाड़ी किस तरह से तैयार किए जाते हैं और रोहित को ये पता है। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।